हाय गाइज नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। बाकी दोस्तों मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और आजकल मैं काफ़ी बिजी हूँ क्योंकि धर्मगढ़ में चल रही है रामलीला और आज इस वर्ष की लीला का पंचम दिवस है, तो मैं बीच में ब्लॉग नहीं बना पाया रामलीला का क्योंकि मैं यहाँ पर संचालक के रूप में काम कर रहा हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की और आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में, देखते हैं क्या क्या होता है, कैसा कैसा मैं आपको दिखा आता हूँ, कब कब मुझे समय होता है। जब मुझे टाइम लगेगा मैं ज़रूर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, पात्रों से भी मिलाऊंगा और कमेटी के लोगों से भी मिलाऊंगा और जो मंच में मंचन होता है, जो अभिनय होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ, अभी शाम के करीब 7:30 बजे हैं, अभी अभी मैं आया हूँ रामलीला मैदान में और यहाँ पर चल रही है तैयारी, पात्र हो रहे हैं तैयार, तो मैं सब कुछ दिखाऊँगा आपको, आप बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं मेकअप रूम में हूँ और मैं सबसे पहले आपको मिलाता हूँ राहुल शाह से। ये राहुल शाह है, शायद इसकी वीडियो आपने कई बार देखी होंगी और ये पिछले कई सालों से धर्मगढ़ में रामलीला में अभिनय करता है और इस बार सीता का ये पात्र है। तो राहुल कैसा हो रहा है? बहुत ही अच्छा, सही लग रहा है ना? तो यार देख सकते हैं ये है राहुल शाह और बाकी और लोगों से भी मैं मिलाता हूँ और अभी यहाँ पे बहुत सारी सखियाँ यहाँ पे आई हुई है, मैं एक बार सभी सखियों को मिलाता हूँ आपको। ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे, तो मैं एक एक करके आपको सबसे मिलाता हूँ। देखो तो सबसे पहले मैं इस लड़की से मिलाता हूँ, नाम बता अपना क्या है? सुहाना। तो ये सुहावना पंचपाल है और ये धर्मगढ़ की ही है और ये बनी है सखी। तेरा नाम क्या है? कनिका। कनिका पूरा नाम क्या है? धामी है? धामी। कनिका धामी है और ये भी सखी है और इसका नाम है क्या है? रिया पंचपाल। तो ये हमारी रामला कमेटी के व्यवस्थापक गोगुल पंचपाल जी की लड़की है और ये भी सखी है। और तेरा नाम? हिमानी रावत। ये रामला कमेटी के उप व्यवस्थापक प्रहलाद रावत जी की लड़की है और ये भी सखी बनी है। तेरा नाम क्या है? अंजलि रावत। ये अंजलि रावत है और ये भी सखी है। कंचू पंचपाल। तो ये देखो ये भी सखी है और ये देखो यहाँ पे साक्षी पंचपाल और यहाँ पे और ये भी एक ही है, देखो ह्यूमा। तो ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, ह्यूमा इसका नाम है, ह्यूमा। और ये है गणेश जी और कृष्णा, इसका नाम क्या है? ये गौरव रावत है। तो देख सकते हैं ये तैयार है और यहाँ पे सब लोग अपने कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा। थकान होती है नहीं डांस करने में? नहीं। ये होती है ना? तुमको कैसा लग रहा है? तू पहली बार सखी बनी है ना, अच्छा लग रहा है? ठीक है, अगली बार से राम लक्ष्मण सब तुम्हें नहीं बनना है, सीता भी तुम्हें नहीं बनना है, ठीक है? बनोगे? ठीक है फिर। तो ये देखो ये हमारे गुड्डू भाई आ गए हैं, बहुत सारा अभिनय करते हैं ये और बहुत सारे जो छोटे छोटे और बड़े बड़े पात्र हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको जो है मौका मिलता है यहाँ पे काम करने के लिए, बहुत सहयोग भी करते हैं। और अभी पहुँच गए हैं देखो, और आज कहेगा पाठ है गुड्डू भाई केकई का, तो आज ये केकई का करेंगे रोल, मैं आपको दिखाऊँगा, आप बने रहो ब्लॉग में। तो ये पहले पिछले साल से ये सखी बनती थी और इस बार दर्शक है और ये है राम जी। हेलो राम जी, कैसे हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। तो हमारे श्री रामचंद्र जी अभी यहाँ पर मोबाइल में काम कर रहे हैं कुछ तो अभी चल रही है इनकी तैयारी, बाकी मैं लेके चलता हूँ आपको मेकअप रूम में। तो ये है हमारे रामला कमेटी के अध्यक्ष मनोहर पंचपाल जी और आज ये दशरथ है और आज दशरथ में क्या होने वाला है बंदा से? आज दशरथ के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। तो आज इनका अभिनय मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी सीता को मैंने आपको दिखा दिया है। ये प्रहलाद रावत जी हैं हमारे कमेटी के उपव्यवस्थापक, काफ़ी ज़्यादा सहयोग इनका रहता है। और ये है हमारे भिंजू लगते हैं अशरफ हुसैन जी, भिंजू करके बोलते हैं हम इनसे। और ये है लक्ष्मण प्रांजल वर्मा। तो अभी यहाँ पे चल रही है मेकअप की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और ये संजू पाठक जी यहाँ पर आ गए हैं, देखो ये इससे जाके सबसे ये मनोज पाठक जी हैं और ये हमारे गोगुल पंचपाल जी रामला कमेटी के व्यवस्थापक सर पहुँच गए हमारे बीच में। और ये टेंट के साउंड सिस्टम के उस्ताद हैं पवन भाई, पवन गुरु। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे को। ये नंदू भाई हैं, देखो नंदन पांगती जी, ये भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये भी बहुत सारे पार्ट यहाँ पे खेल रहे हैं। तो सर ठीक हो रहा है?
बढ़िया। दोस्तों अब मैं आपको मिलाता हूँ जोकर तिवारी जी से। ये देखो ये जोकर तिवारी जी हैं और मैंने इनका एक स्पेशल इंटरव्यू अपने अमर पहाड़ यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आप इनके इंटरव्यू को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी तिवारी जी यहाँ पे लोगों को खूब हंसाते हैं और लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं, तो ठीक हो रहा है। धन्यवाद। आज तो वनवास है, फिर क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान राम का वनवास है तो इसमें दुखी का जैसा दुख हो रहा है ना, राम है तो इसमें भगवान राम को तो वनवास हुआ ही हुआ है, तो ऐसा कर्म न हो कि हमारा वनवास हो जाए। अरे नहीं नहीं, आपका वनवास क्यों होगा यार, अभी तो आपने बहुत यहाँ पे अभी तो बहुत अभिनय करना है आपने यहाँ पे। और मैं तो दिखाना चाहूंगा बच्चों को थोड़ा। बच्चों से तो मैंने मिला दिया है, सभी से, सबसे मिला दिया मैंने, अगर मैं ना हूं ये दुखी हो जाते हैं। तो देखो तिवारी जी से सबका लगाव है और तिवारी जी अगर यहाँ नहीं आते हैं तो यहाँ की जनता दुखी हो जाती है। बाकी अभी बाहर चल रहा है श्रीराम स्तुति, तो मैं श्रीराम स्तुति आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, बनी रहिए हमारे ब्लॉग में। आगे का मंचन दिखाते हैं ब्रेक के बाद। बाकी मैं जोकर तिवारी जी का भी अभिनय दिखाऊंगा, अभी जब ये मंच में जाएंगे तो वो भी मैं दिखाऊंगा, तो आप बने रहो ब्लॉग में। Thank you.
हाथ में बरियात आज मैं सुमंगली पूरी पार्टी करूं तेरा धन जुआर नहीं छू पहले टूटे बरियात होगी अच्छा में वनडे है कि दूसरा दिन पार्टी अब मैं पार्टी बरियात करा कि ना बता रहा हूँ ना बहुत ही करवाए सब ये कर्मा एक किस्सो को सुना हो राजू कर्मक भाग्या भचायक अपन मोहना अपनी भचायक उस महीने रहा तो चलो वे विधि विधान में हम कोई ना होना पहली अगर क्या कार्यक्रम का एक बखत बड़ी मेरे खाना पकड़ा को था बहुत दिन बैठे एक बखत प्रेम है बोलिए मर्यादा आप गौतम भगवान राम की खाली रहते में जरा प्रेम बोले मर्यादा भगवान राम की जय नंदनी सीता माता की जय सीता लखन लाल की जय समय मैं मेकअप रूम में हूँ। आगे मंचन चल रहा है, दशरथ दरबार लगा है और आज बनवास का मंचन यहाँ पे होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सीता के पात्र को मैं मिलाता हूँ। देखो कोरस करने के बाद ये अभी अपने अभिनय की यहाँ पे तैयारी में इंतजार में ठीक हो रहा है। और देखो यहाँ पे मेकअप मास्टर फिलहाल बहुत समय के बाद अभी ये फ्री हुए हैं, इनको थोड़ी सी फुर्सत मिली है अभी फ्री होके। और फैलाद भाई को देखो पीछे। हेलो राहुल जी, ठीक हैं आप? तो देखो तो दोस्तों ये है प्रांजल वर्मा, लक्ष्मण का पात्र। तो लक्ष्मण जी सही हो रहा है अपने ये सीता, ये श्री रामचंद्र जी कोरस करने के बाद ये अभी यहाँ पे आ चुके हैं, अपने अगले अभिनय की तैयारी कर रहे हैं। आज इनका वनवास होना है, तो कितना दुख हो रहा है, आप अपने माता पिता से बिछुड़ कर वन की तरफ आने वाले हैं। पापा जी घर ही है, टेंशन मत। अच्छा पापा जी घर ही है, घर में बिल्कुल ओरिजिनल पापा घर ही में। वैसे भी तुम वन जाने वाले नहीं हो, खाली यहाँ पे सीधे बैकग्राउंड आ जाएंगे, बैकग्राउंड आ जाएंगे। चिपचा चिपचा जाना, चिपचा के जंगल से होते हुए सीधे घर की तरफ, दोबारा असली घर को। हाँ बस हो गया, और कुछ हो गया क्या? तो देखो अभी सुमंत के अभिनय में भरत लसपाल जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे मेकअप चल रहा है, तैयारी हो रही है। और ये हैं हमारे
कोषाध्यक्ष महोदय गजेंद्र गनगरिया जी, और ये है हमारे सचिव साहब, और अभी यहाँ पे सुमंत पात्र भरत रसपाल जी को यहाँ पे माला पहनाई जा रही है सुमंत के अभिनय में, और ये चेतन धर्म सत्तू जी हमारे सचिव। दोस्तों अभी मैं मेकअप रूम में हूँ, ये देखे हमारे एक राम भक्त ने जो कि प्रियांशु पांगती, सनौ हरेश पांगती जो कि धर्मगढ़ के हैं, उन्होंने सहरा टोपी और एक माला यहाँ पे सुमंत के लिए रामला कमेटी को उपलब्ध कराई है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हरीश पांगती जी और उनके सुपुत्र प्रियांशु पांगती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी मैं आगे चलता हूँ और आगे का मंचन मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप बने रहो। तो दोस्तों अभी मैं हूँ मेकअप रूम में, और यहाँ पे इस समय पात्रों के लिए चाय की व्यवस्था की गई है, ये देख सकते हैं। बसा रावण के पात्र हैं, देखो हमारे। तो कितना हो रहा है सर, ठंडा कितना हो रहा है? ठीक है, मस्त सही है ना। क्या कहना चाहोगे हमारे भक्तों के लिए? भक्तों के लिए क्या कहा जा सकता है, भक्तों भक्त हैं आखिर। आइए धर्मगढ़ की रामला में पधारिए और रावण जी का अभिनय देखिए। ये देखिए रामला कमेटी के अध्यक्ष आज दशरथ की भूमिका में मनोहर पंचपाल जी, बहुत अच्छा अभिनय किया इन्होंने, और अभी इनका अभिनय और है यहाँ पे। फिलहाल चाय की खुशियाँ ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? गाला कट लगी है। मैं सभी राम राम आने वाले भक्तों को भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में आनंद मंगल बना रहे, उनके घर में धन धान्य हो, किसी प्रकार का किसी भक्त को कोई कष्ट न हो, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर रामला भी कर रहे हैं। और जो लोग अभी तक रामला में नहीं आए हैं, केदार भाई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लाइव आकर के हमारे यहाँ की रामला को देखें, और बाद में केदार भाई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इसको खूब शेयर करें और लाइक करें, ताकि दूर दूर तक हमारी रामला कमेटी की आवाज़ और यहाँ के लोगों की बातें पहुँच सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और बाकी अरे तिवारी जी ठीक है नहीं? ओ भ्राता आशीर्वाद, अभी मेरा चाय का समय हुआ है। सारे दर्शकों को मैं रामला कमेटी धर्मगढ़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केदार भाई जी आप लाइव लें, और जो भी प्रोग्राम है आप देखते रहिए, और उसी में भी मैं शुभकामना देता हूँ आप। नमस्कार, जय श्री राम। आगे देखो भरत भाई को सुमंत के अभिनय में, तो भरत भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी राम भक्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस राम यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर यहाँ आकर इस रामलीला की शोभा बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेकअप मास्टर अभी यहाँ पे एक और कलाकार को तैयार कर रहे हैं। कलाकार है या भक्त है? और ये देखो गणेश और कन्हैया, अभी इसका मेकअप उतरा भी नहीं है, लेकिन इसका अभी अभी नहीं समाप्त हो गया, कल के लिए ये फिर से हमारे बीच में आएगा। क्यों? और दोनों भाई यहाँ पे चाय बांट रहा है, और आज चाय की व्यवस्था हमारे धर्मगढ़ के सोनू मां साहब की तरफ से, देवेंद्र वर्मा जी की तरफ से है। तो यहाँ पे आज सभी लोग देखो इनका मेकअप मास्टर, ये मेकअप मास्टर को तो मैं बहुत पहले से दिखाते रहा हूँ हमारे
अशरफ हुसैन जी जो कि हमारे रामलीला में बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं, जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे राम भक्तों? सब बढ़िया, सब बढ़िया।